शेखपुरा पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शेखपुरा श्यामा सरोवर पार्क के समीप सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, जबकि जातीय जनगणना पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा बिहार में जातीय गणना कराना कहीं से गलत नहीं है, जातीय गणना होना सही बताया जा रहा है। जबकि लोजपा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज के समय में किसी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता, जो कि काफिला था और निस्वार्थ आने की बात कही है। जबकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नए चेहरे सवाल किए जाने पर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे भारत में कई चेहरे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को सबसे बेहतर बताया है। वहीं बिहार यात्रा पर पहुंचे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि पूरे जिले के गरीब गुरबा से मिलने का लक्ष्य है और सभी की बेहतर जानकारी भी ली गई है। साथ ही उन्होंने ये सब बताया। जिला अध्यक्ष और माननीय पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी। हाँ सर, पहले आप ब्रीफ कर लीजिए, हम लोग को ब्रीफ बात कह देते हैं। बिहार यात्रा में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो प्रदेश के पदाधिकारी जनता दल के पार्टी के नेता चल रहे हैं, उनमें गुह औरंगाबाद के पूर्व विधायक और जनता दल के सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय कुमार सिंह जी हैं। इसी जिला के धरती पर जन्मे और प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ जी हैं। सीतामढ़ी की धरती से चलकर आई प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं। प्रदेश के महासचिव अंगद कुशवाहा जी हैं। प्रदेश के महासचिव के रूप में मैं कौशल सिंह, प्रदेश सचिव धीरज कुशवाहा, प्रदेश सचिव संजय मेहता जी, प्रदेश सचिव हिमांशु पटेल जी, प्रदेश के सचिव मदन चौधरी जी, प्रदेश के सचिव अजय कुशवाहा जी, रामाशंकर सिंह प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ जदयू, विनोद चौधरी निसार प्रदेश हैं, प्रशांत पंकज समस्तीपुर जिले से आते हैं प्रदेश के नेता हैं, रणधीर सिंह जदयू के बड़े नेता हैं, संजीव है। बिहार यात्रा नाम से पार्टी की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम है। 10-12 जिला का दौरा हो चुका है और तीसरे चरण का कार्यक्रम है, जिसमें हम शेखपुरा हैं, यहाँ से नवादा जाएंगे और कल फिर पटना वापसी है और उसके उपरांत बाकी जिलों का भी कार्यक्रम आगे की तारीखों में होना है। इस यात्रा के माध्यम से हम शेखपुरा जिला या बाकी जगह भी आम लोगों के बीच भी जा रहे हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, सुदूर गांव में, देहात में, वहां भी हम जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और पार्टी के साथियों से भी मुलाकात हमारी हो रही है। कोरोना के चलते एक जगह बड़ा सम्मेलन जैसा आयोजित करके मिलना संभव नहीं था, व्यवहारिक भी नहीं था, इसलिए एक जिला में 15-20 जगह का कार्यक्रम हमारे साथी बनाते हैं। इस जिला में भी उसी तरह का कार्यक्रम, कल काफ़ी जगह गए, सब जगह जाकर एक तो कोरोना के कारण जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार का कोई न कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया है, उसमें कोशिश से पार्टी के साथी जहां तक व्यवहारिक दृष्टि से करते हैं, इतनी घटनाएं हुई है सब जगह तो संभव नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से, लेकिन कुछ जगह निश्चित रूप से इस तरह की घटना जहां हुई है उनके परिवार से भी मिलते हैं, यहां भी हम कल मिले हैं और पार्टी के साथियों से भी सब जगह हमारी मुलाकात हो रही है। यहां भी जाते हैं, चाहे आम जनता हो या पार्टी के साथी, आम जनता में एक चीज हमने देखा है इस जिला में भी और बाकी जगह भी महसूस किया है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों के मन में बहुत ही विश्वास है, बहुत निष्ठा का अभाव है। कोरोना के चलते कई जगह लोग संकट में भी हैं, परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, कितना दुखी होगा वह परिवार आप समझ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के ऊपर पूरा भरोसा है उनका कि संकट में भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, उनको लगता है। और वाकई नीतीश जी ने ऐसे ही लोगों की भावना का ख्याल करते हुए
जब कोरोना की ऐसी स्थिति बिहार में हुई, स्थिति तो पूरे देश और दुनिया भर में हुई, लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि किसी व्यक्ति की मौत कोरोना के चलते होती है तो उनके परिजन को 4 लाख रुपया मुआवजा जो राहत के लिए दूसरे मामलों में मिलता है, कोरोना की घटना को भी उसके साथ जोड़ने का फैसला किया। तो 4 लाख रुपया सरकार की ओर से देने का काम सिर्फ और सिर्फ इस राज्य में हो रहा है कोरोना के कारण जो प्रभावित परिवार है उसको। पहला राज्य बिहार है जहां 4 लाख रुपया मृत परिवार को देने की व्यवस्था हुई है। और साथ ही साथ और भी सरकार की जो योजना खासकर गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वैसी योजनाओं का कार्यान्वयन भी अधिक से अधिक सुनिश्चित हो, जरूरतमंदों को 100% इसका लाभ मिले, इसमें पार्टी के साथियों की भी भूमिका है। कई जगह हम जाते हैं तो पार्टी के साथियों को भी निर्देशित करते हैं और हमारे साथी लगे हुए भी हैं। और इस तरह से दौरा करके, पूरे बिहार का दौरा जब हम समाप्त करेंगे तो जो फीडबैक जिसको थोड़ा शेयर हमने किया आपसे, जो भी फीडबैक आम जनता से या पार्टी के साथियों की ओर से हमको मिल रहा है, सबको इकट्ठा करके पूरे बिहार यात्रा के उपरांत पार्टी की मजबूती के लिए इस फीडबैक का इस्तेमाल करेंगे और सरकार का काम और बेहतर गरीब लोगों तक हो पाए उस काम में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और कुल मिला जुला कर जो हमारी कोशिश है, पार्टी की कोशिश है, सरकार तो बेहतर से बेहतर बिहार बनाने में लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री भी लगे हुए हैं, लेकिन उनको ताकत देने के लिए जनता दल यूनाइटेड की ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। कुछ कारण थे विधानसभा चुनाव के समय जिसके चलते पहले के मुकाबले में परिणाम थोड़ा विपरीत आया, कुछ कमी उस वक्त थी, उन तमाम कमियों को दूर करते हुए फिर से जनता दल यूनाइटेड को आगे आने वाले दिनों में नंबर वन की पार्टी बनाने का काम करना है। तो मकसद यात्रा का और कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण यही है। अब कोई सवाल आपका होगा तो उसका जवाब योजना बनाएगी ताकि समाज आगे भी ऊपर उठे, और जब सब लोग ऊपर उठेगा तब समाज में तनाव खत्म होगा। तो जातीय जनगणना सामाजिक तनाव को भी समाप्त करने में कारगर होगी आगे आने वाले दिन में। तनाव बढ़ाने का काम नहीं, तनाव कम करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। इन दिनों लालू की एक्टिविटी सामाजिक राजनीति में बढ़ी है, क्या लगता है बिहार सरकार पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए, लालू जी के बारे में तो हमने कल भी कहा, लालू जी की जितनी उम्र हो गई अब स्वास्थ्य भी उनका घेराव नहीं बहुत करता है। उनको लगता है कि डॉक्टर लोगों ने उनको कहा है कि अब घर में मत रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। वो इस ख्याल से वो घूम फिर रहे हैं, मुलायम सिंह जी से मिल रहे हैं, शरद जी से मिल रहे हैं, तो मिले, उनकी आयु लंबी हो हम भी कामना करते हैं, लेकिन अब पॉलिटिक्स में कोई बहुत अर्थ उनके घूमने का नहीं है। तो प्रभाव सरकार पर होने वाला कुछ अर्थ ही नहीं है, तो सेहत के लाभ के लिए घूम रहे हैं। सीएम को अपने ईएम मटेरियल बताया था, इस पर बवाल मचा था, क्या लगता है कि सीएम है ईएम मटेरियल? अच्छा, हम सीधा अगर आप ही लोगों से पूछें, हिंदुस्तान में क्या एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है? इतना कंगाल तो हमारा हिंदुस्तान नहीं है, बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं, उसमें हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम यह कह करके हम कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि चीज़ों की व्याख्या गलत ढंग से हो जाती है, इसलिए फिर हम दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी हैं। हम जिस अलायंस में हैं मजबूती से, जनता दल यूनाइटेड उस अलायंस के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी को जनता ने जनादेश दिया है, इसलिए प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पोजिशन को हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने की योग्यता बहुत सारे लोग रख रहे हैं, जो सच हम बोल रहे हैं, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी नाम प्रमुखता से आता है, तो यह कहने में कहाँ कोई दिक्कत। सर, क्या माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में आप जदयू की ओर से मुख्यमंत्री का भी चेहरा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ देखिए, जनता दल यूनाइटेड में एक सिपाही के रूप में हम काम कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता सिपाही के रूप में आगे भी काम करते रहे।
मान्यवर कुछ आपसे सवाल है। नमस्कार, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। आप प्रेस से हैं? नहीं, जांच होनी चाहिए इसमें, लेकिन मामला कोर्ट में भी चला गया जी, तो पूरा कोर्ट को आप देखने दीजिए। लेकिन किसी भी स्टेज में तो जनता जानना चाहती है सच, सच जानना, जनता जानना चाहती है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। तो जनता को सच जानने का अधिकार है, जानना चाहती है। कोर्ट में भी मामला है तो कोर्ट को आप देखना चाहिए। क्या कल जो काफिला सर घूम रहा था आपके साथ में, लोजपा जिला अध्यक्ष का आरोप लगाया गया है कि ये जो काफिला है डरा धमका करके वाहनों को मंगाया गया है, क्या इस पर क्या कहेंगे? कहाँ है आप लोग, कौन मामला ले आते हैं? आज के समय में कोई डरा धमका सकता है किसी को? एक आदमी मिला कोई डरा के लाए? अब विरोधी आरजेडी के लोग कोई बोल रहे होंगे इस तरह के, तो डराने धमकाने वाली पार्टी तो उनकी पार्टी है। उनको डर जरूर हो रहा होगा काफिला देख है इस संबंध में। देखिए, हमने कहा कि जो भी फीडबैक मिल रहा है, फीडबैक तो हम शेयर कर ही रहे हैं, हम छिपाते नहीं किसी चीज को। शिकायत लोगों से मिलती है, जो मिली शिकायत अधिकारियों के बारे में हमने कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, कई जगह अधिकारियों की ओर से शिथिलता दिखी है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, अब जो गाँव का पीड़ित व्यक्ति है, गरीब आदमी है, उसको पता नहीं है कि सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सरकारी कार्यालय तक तो जाएगा नहीं सब लोग, कुछ लोग जाएंगे, सब लोग तो नहीं जाएंगे। सरकारी कार्यालय की ड्यूटी है कि लोग उनके यहाँ तक जो नहीं आ रहे हैं, तो कार्यालय उन लोगों तक पहुँचे, मतलब अधिकारी पहुँचे, कर्मचारी पहुँचे। सर, जातीय जनगणना की बात आ रही है, जिसमें सर्वदलीय विपक्षी पार्टियों ने सीएम से कहा था कि आप पीएम से मिलने की सवाल करें, पीएम से सवाल टाइम भी मांगा गया, क्या लगता है विपक्ष का नेतृत्व करेंगे इस सवाल पर सीएम? क्या देखिए, इस सवाल पर विपक्ष के नेतृत्व का सवाल नहीं, इस मुद्दा पर हम बार बार जोर दे रहे हैं, इस मुद्दा पर, इस दूसरे अर्थ में इसको ना लेना चाहिए, इस मुद्दा पर देश के नेतृत्व का सवाल है। और नीतीश कुमार जी कर भी रहे हैं, कई लोगों से विपक्ष में, तो जितने बिहार के विपक्ष के लोग हैं और पक्ष के भी लोग, सबका मुद्दा है यह। इसमें आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि विधानमंडल दल से जो प्रस्ताव पारित करके पहले भेजा गया है, जिसमें बात कही गई कि केंद्र सरकार जातीय गणना कराए, उस प्रस्ताव को सर्वसम्मत पारित किया था विधानमंडल दल, उसमें सभी पार्टी के लोग थे, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी तो विधानमंडल दल में इस मुद्दा के पक्ष में खड़ी थी। तो यह मुद्दा कोई पक्ष विपक्ष का नहीं है, देश का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, गरीबों के लिए योजना सही ढंग से नहीं बना पाएगी। भाजपा कई मंत्रियों का बयान है कि समाज में तनाव फैलेगा अगर ये जातीय गणना होती है। भैया, जातीय जनगणना से जो लोग कहते हैं कि तनाव फैलेगा, तो धार्मिक गणना तो हो रही है, धर्म के आधार पे तो आंकड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, हिंदू कितना, मुसलमान कितना, सिख कितना, ईसाई कितना, तो उससे कोई धार्मिक अब टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति उससे तो नहीं पैदा हो रही है। जब उससे नहीं पैदा हो रही है, तो जातीय गणना से कैसे तनाव की स्थिति पैदा हो? समाज में कौन जात की कितनी संख्या है, यह जानने में क्या बुराई है? और नहीं यह जब तक जाना जाएगा, देखिए कोई भी समाज का समूह है, चाहे सामान्य जात के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, एससी हों, एसटी हों, इसमें भी जो लाभ सरकारों के द्वारा समय समय पर देने की योजना बनी है, इन योजनाओं का लाभ इस समाज के भी जो संपन्न तबका, उसमें भी अलग अलग वर्ग हो गए हैं, तो जो संपन्न वर्ग हो गया है उसमें, उसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है। पिछड़ा में भी जो बहुत पिछड़ा है उसको लाभ नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। हम तो एक अनुमान के आधार पर कह रहे हैं ना, आंकड़ा सही तो गणना से ही आ पाएगा और तब पता चलेगा किनको लाभ मिला किनको नहीं मिला। शेखपुरा से स्वदेशवाणी के लिए धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।